जब भी वोल्वो कार्स की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहला वर्ड आता है सेफ्टी। आप वर्ल्ड की कोई सी भी गाड़ी उठा के देख लो, वो चाहे कितनी भी सेफ या स्टेबल क्यों ना हो, फिर भी उसमें कभी ना कभी लोगों की जानें जरूर गई है। लेकिन वोल्वो के केस में ऐसा नहीं है। वोल्वो की XC90 पूरे वर्ल्ड की एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आज तक एक भी सिंगल पर्सन की जान नहीं गई है, और वोल्वो की बाकी गाड़ी भी सेफ्टी में सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ तक कि टाटा और महिंद्रा जैसे कार मेकर्स भी वोल्वो से इंस्पिरेशन लेकर अपनी कार डिजाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सबसे सेफ कार बनाने और दूसरों को इंस्पायर करने के बाद भी वोल्वो आज दिन ब दिन डूबती जा रही है और भारी लॉसेस से जूझ रही है? आइए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना कार्स को, हम 50K के काफी क्लोज है, सो प्लीज कंसीडर अ सब्सक्राइब। तो टाइम था 1927 का, जब कुछ स्वीडिश इंजीनियर्स ने वोल्वो की शुरुआत की और 14 अप्रैल 1927 में अपनी पहली कार OB4 लॉन्च की, जो कि एक ओपन टूरर कार थी जिसमें इनका मेन फोकस था सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी। इस गाड़ी में 1.9 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन लगा हुआ था जो कि अराउंड 28 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। अब इसे वोल्वो की क्वालिटी का ही या फिर लक कि उनकी पहली ही कार OB4 हिट हो गई। अब इसे देखकर वोल्वो के फाउंडर्स को थोड़ा और मोटिवेशन मिला और उन्होंने 1944 में अपनी सेकंड कार PV444 लॉन्च की। अब इसमें सेफ्टी लेवल और इंक्रीज किए गए, जैसे लैमिनेटेड विंडशील्ड। यानी उससे पहले कार्स में नॉर्मल विंडशील्ड आती थी जो कि एक्सीडेंट के वक्त लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन PV444 में वर्ल्ड की फर्स्ट लैमिनेटेड विंडशील्ड दी गई जो कि क्रैश के वक्त टुकड़ों में टूटकर लोगों को हार्म नहीं पहुंचाती थी। और ये गाड़ी पहले वाले से भी ज्यादा हिट हुई और वोल्वो का अब पूरी दुनिया में नाम फैलने लगा। एंड यही टाइम था जब वोल्वो के एक इंजीनियर निल्स बोहलिन ने 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का इन्वेंशन किया। यानी इससे पहले 2-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट आया करती थी जो कि क्रैश के वक्त केवल लोअर बॉडी को ही प्रोटेक्ट करती थी, जिसके कारण ज्यादातर केसेस में लोगों की चेस्ट या हेड इंजरी के चलते डेथ हो जाया करती थी। लेकिन 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट से ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व थी। अब इसे वोल्वो का बढ़ापन कहे या फिर कुछ और कि उन्होंने अपने इस 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट इन्वेंशन को पूरी दुनिया के कार मेकर्स को यूज करने की परमिशन दे दी। मतलब अगर वोल्वो चाहती तो उसका पेटेंट रजिस्टर करके इसका फायदा उठा सकती थी, लेकिन वोल्वो ने ऐसा नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये आया कि एक्सीडेंट्स में कैजुअल्टीज काफी हद तक कम हो गई। और 1975 से लेकर आज तक इस इन्वेंशन ने 375,000 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई है, जिसका सारा क्रेडिट जाता है वोल्वो को। अब इस बिलीव को देखकर US गवर्नमेंट ने भी वोल्वो को सबसे सेफेस्ट कार का दर्जा दे दिया और इससे लोगों में वोल्वो के लिए ट्रस्ट और मजबूत हो गया और पूरी दुनिया में वोल्वो कार्स की डिमांड होने लगी। दोस्तों, यहाँ तक तो वोल्वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और काफी बढ़िया प्रॉफिट भी कमा रही थी। लेकिन अब क्योंकि वोल्वो के अंडर बसेस, ट्रक्स और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स भी आते थे, तो अपनी कार्स की कैटेगरी पर ज्यादा ध्यान देने के लिए 1999 में वोल्वो ने अपने कार डिवीजन को अलग कर दिया, जिसका नाम वोल्वो कार्स कॉर्पोरेशन रखा गया। सेपरेट कंपनी बनने के बाद वोल्वो फोर्ड के साथ मर्ज हो जाती है ताकि उन्हें फोर्ड की टेक्नोलॉजी और ज्यादा रिसोर्सेज मिल सके। अब वोल्वो ने फोर्ड से मिलने के बाद और एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशन किए और अपनी गाड़ियों में नए नए सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस करने लगी, जो कि हमको न्यू मॉडल्स XC90, S60 में मिलने लगे। यहाँ तक भी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब आता है 2008, जिस टाइम फोर्ड कंपनी काफी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कर रही थी, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल क्राइसिस के चलते कार्स की सेल्स काफी हद तक कम हो गई थी, जिसका शिकार फोर्ड भी हुई थी। और इसलिए 2010 में फोर्ड ने $4 बिलियन के भारी नुकसान के साथ वोल्वो को एक चाइनीज कंपनी गिली को बेच दिया। अब इससे डेफिनेटली वोल्वो पर इफेक्ट तो हुआ ही था, लेकिन वोल्वो का कंपटीशन था जर्मन ट्रायो, ऑडी, BMW और मर्सिडीज से, जिनकी सेल्स दिन पर दिन बढ़ रही थी, वहीं वोल्वो की घटती जा रही थी। और इस टाइम वोल्वो को साल दर साल बिलियंस में लॉसेस हो रहे थे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वोल्वो की सेल्स क्यों कम हो रही थी, तो इसका मेन रीजन ये था कि वोल्वो का अभी भी मेन फोकस था सेफ्टी पर, जबकि जर्मन ट्रायो हमको सेफ्टी के साथ प्रीमियमनेस और लग्जरी भी प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि सभी गवर्नमेंट्स ने सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग, 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट्स, ABS/ABD एक्सेट्रा सभी कार्स में मैंडेटरी कर दिए थे। तब ऐसे में वोल्वो ने अपना सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट सेफ्टी को खो दिया। अब वोल्वो में सिर्फ सेफ्टी मिल रही थी, लेकिन उसी प्राइस में बाकी कार्स में सेफ्टी के साथ साथ लग्जरी, परफॉर्मेंस और फीचर्स भी मिल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी मर्सिडीज, BMW एंड ऑडी जैसी गाड़ी ही लेगा। और आजकल लोगों को काफी सस्ते दामों में भी सेफ्टी मिल रही है, तो वोल्वो का वो सेफ्टी टैगलाइन वर्ड तो वैसे ही इग्नोर हो जाता है। और इसलिए वोल्वो के कस्टमर्स कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और वोल्वो की सेल्स दिन पर दिन कम होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वोल्वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। वोल्वो अपना पूरा दम लगा रही है कमबैक करने के लिए और अब अपना मेन फोकस और R&D लगा रही है इलेक्ट्रिक कार्स में, जैसे XC40 रिचार्ज,
क्योंकि एज वी नो द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में वोल्वो कैसे कमबैक करती है या फिर फ्लॉप होती है। बाकी यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ।